हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि हम दूध का मलाई से घर पर ही बहुत आसानी से देसी घी कैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो इसको निकालने का जो प्रोसेस है, कभी हम मशीन से भी निकालते हैं और या कभी जो मथनी होती है, हम जो रई हमारी यूपी में रई या मथनी बोलते हैं, तो हम उससे भी उसको निकालते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है और कभी कभी हम लोगों से वो बिगड़ भी जाता है, तो घी जो है ना वो अच्छे से नहीं निकल पाता है। लेकिन आज जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही आसान प्रोसेस है और बहुत अच्छा सा घी निकल आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमें घी निकालने के लिए मैंने एक बर्तन में ये मलाई ले ली है और मुझे इस तरह का, सॉरी, इसमें मलाई लग गई है। ये जो चमचा बोलते हैं हमारे यूपी में, तो इसको चमचा बोलते हैं, इस तरह का ये चमचा चाहिए हमको। और बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस तरीके से इसको होल्ड करना है और इस तरह से। हाँ गाइस, इस तरह से मलाई से घी निकालने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमें मलाई लेनी है वो हमको बिल्कुल ठंडी लेनी है, बिल्कुल ठंडी, फ्रिज से निकली हुई मलाई हम डायरेक्ट ही करने बैठ जाएंगे, ठीक है? तो हमें बस इस तरह से इसको करना है। इसके हर साइड में मारना है। जब आप इस तरह से करेंगे इसको, तो आपको ये थोड़ा सा फील होगा, ये नीचे से हमारा थोड़ा सा कर्रा होने लगा है, थोड़ा सा हार्ड चलने लगा है। ये देखिए, ये थोड़ा सा नीचे सा ऐसा लग रहा है कि जम रहा है नीचे को, ये थोड़ा सा हार्ड चलने लगेगा। गाइस, आपको इसको बस करते रहना है। हाँ, आप बस इस बात को ध्यान रखिए, जब आप इस तरह से कर रहे हो तो आप इसको जैसे छोड़ना नहीं है, जैसे थोड़े बहुत देर का कोई काम है तो कर लीजिए, वरना आपको इसको करते रहना है जब तक ये बिल्कुल टाइट सा ना हो जाए, ये हल्का सा पानी छोड़ने लगेगा। तब अगर आपको कुछ काम करना है थोड़ी देर के, इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आप तब तक इसको मत छोड़िए जब तक कि ये थोड़ा सा पानी ना छोड़ने लगे। ये देखिए कि गाइस, मुझे बस एक या दो मिनट ही हुए हैं इसको करते हुए, ये देखिए कितना कर्रा सा होने लगा है। ये देखिए, ये काफी हार्ड चलने लगा है। यहाँ पे ठंडी मलाई नहीं लेंगे ना, तो ये जो टाइट होने वाला प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये हमारा टाइट थोड़े टाइम बाद होगा, मतलब ज़्यादा टाइम लेगा। और अगर हम बिल्कुल ठंडी मलाई लेंगे ना, तो ये जो है प्रोसेस ये हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा। आप गाइस, मैं आप इसको एक मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। ये हमारी जो मलाई है वो बहुत ठंडी है, मैं इसको एक मिनट के लिए छोड़ दूँगी, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। तो जो इसमें से जो पानी निकलने वाली, जो इसका मक्खन निकलने वाली प्रोसेस है, वो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। तो देखिए गाइस, मैंने आपको 1 या 2 मिनट्स बोला था, लेकिन थोड़ा सा काम मुझे पड़ गया था, तो मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं इसको छोड़े हुए। और आपको अगर थोड़ा सा, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर रहा है या नहीं, ये थोड़ा सा मॉइस्चर, इसमें से थोड़ा सा मॉइस्चर लूज हुआ है, देखिए थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आना शुरू हो गया है। ये देखिए,
पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है या नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर, और यहाँ पर भी थोड़ा सा मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस अब हम इसमें ये जो जिसमें मैंने मलाई इकट्ठी करी थी, आप वही बर्तन ले लीजिए, आप उसी में थोड़ा सा पानी कर लीजिए, और इसको भी पानी करने से इसमें ये होता है ना कि ये भी थोड़ा सा साफ़ हो जाता है, ये जो मलाई वाला बर्तन होता है हमारा, ये चिकना होता है, ये भी आप यही पानी इसमें, मैंने ये सादा पानी लिया हुआ है यहाँ पे। अगर विंटर्स हैं तो आप थोड़ा सा गर्म गुनगुना वाला पानी ले लीजिए, और अगर गर्मियाँ हैं तो आप सादा पानी ले लीजिए। मैंने ये एक कप से थोड़ा ज़्यादा, मतलब डेढ़ कप के करीब पानी होगा। अब ये पानी इसमें डालिए, अब आपको जैसे आपने पहले चलाया था आपको इसको वैसे ही चलाते रहना है। अगर आपकी मलाई ज़्यादा है तो आप अपनी मलाई के अकॉर्डिंग और भी पानी ले सकते हैं। पानी ज़्यादा, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी आपका नहीं ख़राब होगा। इसका जो मतलब जो लेंथी प्रोसेस तभी हो जाता है जब आप ठंडी मलाई फ़ौरन ही नहीं चलाते हैं, आप बस ठंडी मलाई एक या दो मिनट बस इस तरह से चला लीजिए, उसके बाद आपका ये ख़राब नहीं होता। उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए और कम पड़े तो आप डाल ही सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। देखिए ये मैंने पानी डाला है तो ये काफ़ी स्मूथ चलने लगी है, पानी इसने सारा ऑब्जर्व कर लिया है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा लगे कि अरे इसने तो पानी सारा ले लिया अब ये कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। या अभी जब इसमें से मक्खन आ जाएगा तो ये जो पानी है वो खुद ही छोड़ देगा, पानी अलग हो जाएगा और जो है हमारा मक्खन अलग हो जाएगा। काफ़ी स्मूथ चलने लगा है और थोड़ा सा ना जो हमारा मक्खन होता है वो थोड़ा सा येलो टोन में होता है। देखिए थोड़ा सा जो हमारी वाइट मलाई थी थोड़ी थोड़ी सी हमको येलो सी फील होने लगी है, आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। देखिए गाइस अब इसमें से जो पानी है वो छूटने लगा है, ये देखिए को शो करती हूँ। सॉरी गाइज, ये जो गाड़ियों की आवाज़ है इनको इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है, हमारा मक्खन होता है वो हमारा येलो टोन में होता है। ये देख छोड़ दिया ना पानी इसने, बस अब हमारा जो मक्खन वो निकल आया है। देखिए अब जितना हमने पानी डाला था करीब उतना ही पानी ये निकलने लगा, निकलने क्या लगा ये निकल ही आया, और इसका जो हमारी मलाई है, ये मलाई नहीं अब ये मक्खन है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये जो पानी है ना ये हमारा मट्ठा है, मट्ठा बटर मिल्क,
आप इस मट्ठे का भी बहुत से यूज़ कर सकते हैं। आप इसी मट्ठे को आप पी भी सकते हैं, या आप इसकी कड़ी या कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। और आप इसके साथ आप इसका दही भी जमा सकते हैं और इसका पनीर भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी जो पनीर बनाने वाली रेसिपी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप इस जो मट्ठे का पनीर कैसे बना सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये जो है ये हमारा मक्खन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस मक्खन को साफ़ कर लेना है, मीन्स पानी से धो लेना है। दो तीन बार आप इसको धो लीजिए इसमें पानी डालकर। जैसे अभी ये पानी मैं निकाल दूंगी, आप इसमें और पानी डाल दिए, थोड़ा सा और इसको डिप करके पानी में इस तरह से आप इसको धो लीजिए, जिससे ये जो मट्ठे वाली जो स्मेल है वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी और जो हमारा घी निकलेगा उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चलिए मैं इसको दो तीन बार और, ये देखिए गाइस, ये मैंने जो हमारा मक्खन निकला था मैंने इसको धो लिया है। बस मैंने सोचा कि एक बात आपको और बता दूं, जब आप इसको धोएंगे ना तो इसमें आप इसको इस तरह से दबा दबा के इसका जो पानी है, देखिए अभी मैंने निकाल लिया था उसके बाद भी देखिए ये आ रहा है, इसमें थोड़े से बबल्स बन जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है। जब हम ये गरम करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, वो पानी जलने में टाइम लेता है, ठीक है, और थोड़ी सी स्मेल भी रह जाती है। जब हम इसको गैस पर चढ़ाने से पहले हमें इसको इस तरह से दबा दबा के इसमें जो थोड़ा सा पानी और जो मट्ठा रह गया है वो हमें निकाल देना है। चलिए बस अब मैं जो इसको पानी को निकालने के बाद इसको गैस पे चढ़ाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है, अब मैं इसको हल्के हल्के होने दूँगी जब तक कि इसमें से घी नहीं आ जाता। ये देखिए गाइस, ये हमारा घी तैयार हो गया है, अब हम बस इसको छान लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने घी छान लिया है और ये हमारा घी अब तैयार है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।